नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंजीनियर्स ओशियन अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि यूपीपीसीएल और आरआरबी दोनों की वैकेंसी जेई के लिए आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है यहाँ पर कि कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, आरआरबी की या फिर यूपीपीसीएल की, और कौन सी वैकेंसी को टारगेट करें ताकि एक तीर से दो निशाना हो जाए, दोनों वैकेंसी हमारी क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी। आरआरबी का जो पहला पेपर होता है वो आपका नॉन टेक होगा, और जो दूसरा पेपर सेकेंड पेपर जो आपका होगा वो आपका टेक्निकल होगा। यूपीपीसीएल में सिंगल आपका पेपर होगा और आपकी उसी सिंगल पेपर पर आपका सिलेक्शन होगा। वैकेंसी की बात करें तो यूपीपीसीएल का अधियाचन बहुत पहले से आ चुका है सेवा आयोग, लेकिन अभी उसे रिक्रिएट किया जा रहा है। यूपीपीसीएल के साथ यूपी आरवीएनएल की भी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी इसलिए यूपी आरवीएनएल की रोकी गई थी क्योंकि जून के महीने में लोग रिटायर होते हैं, एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद फिर सीटें वैकेंट होती हैं। हाँ, प्रमोशंस होते हैं वो बात अलग है, लेकिन उसका 30-40% ही होता है, बाकी जो रिमेनिंग होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। इसके लिए जून का वेट कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है, ऑफिशियल ऑर्डर है कि वैकेंसीज को फिल की जाए। जुलाई लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में यूपीपीसीएल की वैकेंसीज आनी है। इसी के साथ सेवा आयोग यूपी आरवीएनएल की भी वैकेंसी एक महीने के बाद या फिर दो महीने के बाद रिलीज़ करेगा, यानी आगे पीछे यूपीपीसीएल यूपी आरवीएनएल आपकी आने वाली है। अगर मैं बात करूँ आरआरबी जेई की, तो 7000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आरआरबी जेई का जो पोस्ट है वो अप्रूवल है, लेकिन इस पोस्ट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा मेरा एजम्पशन है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोको पायलट और टेक्नीशियन में आपने देखा ही है कि जो पोस्ट है रेलवे ने वो इनक्रीज़ की है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी ईयर, बट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सीट्स। ओके, तो अच्छी बात है। अगर 12-13 हज़ार सीटें होती हैं रेलवे में जेई के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी उन सभी इंजीनियर्स के लिए जो एटलीस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका लेवल बहुत ही अच्छा खासा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका पीसीएल पहले आएगा, देन आपका आरआरबी बाद में आएगा, और टारगेट आपको किसको करना है ताकि दोनों एग्जाम निकल जाए, तो यूपीपीसीएल को आपको टारगेट करना है। यू हैव टू टारगेट यूपीपीसीएल जेई, सो डैट्स वाई यू कैन क्वालिफाई बोथ द एग्जामिनेशन, आरआरबी जेई एज वेल एज यूपीपीसीएल जेई। इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, नए सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने होंगे, कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी, कौन से प्लेटफॉर्म से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इंजीनियर्स ओशियन अकेडमी आपके लिए लेकर के आ रहा है आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल जेई के लिए कंबाइंड बैच, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कराया जाएगा। नॉन टेक्निकल के लिए जो जीएस का पार्ट है वो मैं आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो नॉन टेक्निकल की एक और फैकल्टी आपके सामने ला करके खड़ा करूँगा। लेकिन जो टेक्निकल का सेक्शन है वो आपका 1 जुलाई 2024 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे दोपहर डेली क्लासेस आपकी होंगी, और उस टाइम पर आप आकर के लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और कोर्सेज में जो बच्चे नहीं अभी तक इनरोल्ड हुए हैं जाकर के इनरोल्ड हो जाएंगे। कोर्सेज भी आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी आपकी अपडेट्स, और ये थी आपकी वैकेंसीज की अपडेट। आरआरबी जेई आपकी कब तक आएगी, तो एक्सपेक्टेड है आपका 3-4 महीना तो लग जाता है, रेलवे का काम बहुत स्लो होता है, लेकिन हाल फिलहाल में आप अगर टारगेट करते हो यूपीपीसीएल को, तो मेरा ऐसा मानना है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आपका सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। देखिए, टेक्निकल की मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी गारंटीड है कि जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, जिस तरीके से यूपीएमआरसी में, यूपीपीसीएल में, पहले यूपी आरबीएनएल में हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हुए हैं, हमारे कंटेंट्स हमारे नोट्स से सिलेक्शन हुए हैं, उसी तरीके से आपके भी सिलेक्शंस होंगे, इसमें कोई डाउट और संदेह नहीं है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर कोर्स बैच और YouTube के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके वहाँ से क्लिक करके कल की क्लासेस में लाइव जुड़ करके डेमो क्लास का आनंद ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।